सो है गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डी मोटो ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी चला रहा है ड्यूक 390 और किस लिए चला रहा है वो आपको पता चल चुका होगा थंबनेल देखे ऑलरेडी। ओके, सो चलो चलाते हैं थोड़ा इस बाइक को, ठीक है। पावर देख रहा है, पावर क्या ही भागता है भाई, ये बाइक क्या ही भागता है। सो ये बाइक चल चुका आपका 14,000 किलोमीटर हो गए, और BS16 है और ये एकदम पूरा डार्क ग्रे में बाइक। सो ये बाइक सेल होने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये बाइक खरीदना है तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। इसका पिकअप देख रहे हैं, पिकअप भाई। सो ये जो बाइक है आपका BS6 ड्यूक 390। ओके, तो अभी चल चुका है इसका ओनली 14,000 किलोमीटर। सो ये बाइक सेल के लिए, अगर आपको खरीदना है तो मुझे DM करो, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम में DM करो, मिस्टर डी मोटो बोल के वहाँ पे है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे जाके मुझे DM करो। इसका प्राइस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बाइक एकदम टॉप नॉच है, मतलब रनिंग भी ज़्यादा नहीं है, और ऐसा नहीं कि मतलब बाइक कुछ ख़राब है उसलिए सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको सेल करना बाइक क्योंकि इतना चलाना नहीं होता बाइक, तो मेरा अपना भाई का बाइक है। सो किसी को लेना होगा, किसी को कुछ भी पूछना होगा तो मैसेज कीजिएगा, ऐसे मैसेज मत करना। अगर आप लोग को रियली में लेना है बाइक तभी मैसेज करना, ठीक है। ऐसे मैसेज करके आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और भाई का ID भी दे देगा, उनसे भी जाकर डायरेक्टली बात कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो। ओके, सो बाइक तो टॉप नॉच है, आप लोग देख ही रहे हो, और टायर भी आपका आगे में तो स्टॉक टायर ही है जो मतलब इसका कंपनी से आता है, वही अभी तक चल रहा है, ख़त्म भी नहीं हुआ है। जब अपना बाइक का डिलीवरी ले रहा था CB300R का, उस टाइम में भी ये बाइक थोड़ा एक दो बार ढूंढा था लेकिन मिला नहीं मुझे, इसलिए जाके CB300R मतलब एक बेस्ट चॉइस था, इसलिए वो ले लिया। नहीं तो अगर ये होता स्टॉक में तो यही लेना था, क्योंकि ये जो बाइक है ना मतलब एकदम क्लासिक डिजाइन में बोलो जो भी बोलो, मतलब ऑल ओवर जो लुक है ना इसका एकदम बेस्ट है, मतलब ना ज़्यादा बल्क है ना ज़्यादा कुछ है, सब कुछ परफेक्ट है। और इसका इंजन भाई, इंजन का तो बात ही नहीं है, इंजन का तो जवाब नहीं है, मतलब ना इंजन का तो क्या बात करेगा। सो वही बताना चाहता, अगर आप लोग को लेना है तो DM करो, ठीक है, इंस्टाग्राम में भाई, बाइक एक नंबर है, बाइक पूरा रॉकेट है, मतलब इसका जो एग्रेसिव नेचर है ना, इसका क्या होता है मतलब इंस्टेंटली जो एग्रेसिव नेचर है वो नहीं आता है, जैसे 6000 RPM क्रॉस कर लेता ना भाई पागल हो जाता, बाइक पूरा पागल। मेरा CB में वैसा नहीं है, CB में क्या होता है कि CB में ऐसा है कि मतलब आपको कम RPM से ही अच्छा खासा पावर मिल जाता है, और इसमें वो नहीं है, इसमें भाई जाना पड़ेगा पूरा 6000 RPM तक। अभी अपना बाइक में आ चुके हो, ओके। अपना बाइक का भी फील अलग ही फील है। Was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. I think I went through hell. So अभी हम ब्लॉग के बीच में गाड़ी चला रहे, देखो भाई गाड़ी चला रहे, और यहाँ पे एक दोस्त मिला है, मतलब तो वो मेरा बाइक चला रहे और हम इधर में उसका गाड़ी चला रहे हैं, सामने में जा रहा है वो लेके, थोड़ा आगे जा रहा है कि थोड़ा अच्छे से फोटो क्लिक करेगा बोल के। तो चलो मिलते आगे में, ठीक है। लाइन में, लाइन में, लाइन में करो, सबका मौका है। हाँ ठीक है। Opened in the air, just suck me up 'cause I really, really don't care why I'm falling. I wondered if you would miss me when I'm gone.
साइनेमेटिक शॉट सब कैसा लगा आप लोग बताना, ठीक है। ओह स्टॉप हो जाओ रे, एफल इमान मो आसे निकी, एफल इमान नाय, हां बोला उत्पात। सो ओके, फर्स्ट टाइम अपना क्या बोलते हैं थोड़ा एक अच्छा कैमरा से सिनेमेटिक लेने के लिए ट्राई किया, तो कैसा आ रहा आप लोग बताना, कैसा आया कैसा नहीं, ठीक है। अरे 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 फोकस हो भाई फोकस। तो है गाइस गुड इवनिंग एवरीवन, अभी चला है अपना CV 300। ओके तो ड्यूक 390 चला चुका है, सो 390 और CV 300 में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस उसमें पावर का ज़्यादा फर्क है, बस उतना ही है, और बाद बाकी तो दोनों बाइक चलाने में बहुत मस्त है। तो देखो भाई, और आज का सिनेमेटिक शॉट सब कैसा लगा बता देना, ठीक है। एक दोस्त मिला था यहीं पे दिग बॉय का, ये उत्पल बरवा ब्रो, सो उनको मिला था तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ फ़ोटो शोटो ले लेते हैं। मेरा तो कुछ फ़ोटो क्लिक करने का मन नहीं था, क्योंकि क्लिक करेगा बोल के आया नहीं था, कपड़ा भी अच्छा पहन के नहीं आया था। सो बाइक का शॉर्ट सब लेके आया, तो कैसा लगा आप लोगों को बताना, ठीक है। शॉर्ट सब कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है ना। वाह सो आज का फाइनल कंक्लूजन यही है कि 390 और CV 300 आज चला के बहुत मज़ा आया। फिर 390 सेल होने वाला है, तो किसी को लेना है तो DM कर लो, मैसेज कर लो। ओके, बाइक का कंडीशन एक नंबर है। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिएगा। जैसे 10K सब्सक्राइबर मेरा पहुँचता है, ऑलमोस्ट 4000 और चाहिए मुझे 10K पहुँचने के लिए, उसके बाद मतलब एक लॉन्ग टूर करेगा, ऐसा लॉन्ग टूर की मतलब बहुत लंबा। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा बाय बाय।